हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डीसी शंट जनरेटर और डीसी सीरीज जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर इन दिस मोटर टू वाइंडिंग प्रेजेंट कौन कौन सी शंट और सीरीज, शंट एंड सीरीज। मतलब डीसी कंपाउंड जनरेटर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक शंट और दूसरी सीरीज। इसका फिगर बनाते हैं। यह आर्मेचर ईएमएफ की डायरेक्शन, शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस आर एस ई और इधर लोड। लोड का रेजिस्टेंस आर एल है और देखो यहां से जो करंट फ्लो हो रही है सीरीज करंट में आई एस ई और जो आर्मेचर करंट है इसका मान है आई ए और इधर जो करंट जाएगी आई एस एच संट करंट और लोड में फ्लो होने वाली करंट आई एल। अब देखो आई ए और आई एस ई दोनों क्या है, बराबर है, तो यहां हम लिख सकते हैं आई ए इक्वल टू आई एस ई। ये कौन सा जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो आईए और आईएसई आपस में बराबर हैं और इस पॉइंट पर आईए इक्वल टू इधर आईएसएच जा रही है और इधर लोड करंट दोनों बराबर है केसीएल लगाने के बाद। अब इस सर्किट में हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। जब केवीएल लगाएंगे तो माइनस का ई प्लस आई ए और आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई सीरीज करंट और सीरीज रेजिस्टेंस प्लस आई एल आर एल इक्वल टू जीरो। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इक्वल टू आई ए आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई। अब जो आई एल आर एल है यही क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, इसको लिखेंगे वी। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, आई ए और आई एस ई आपस में बराबर है, आई ए आई एस ई बराबर है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, आई ए कॉमन ले सकते हैं, आई ए आर ए प्लस आर एस ई प्लस वी। तो ये है ईएमएफ की इक्वेशन। यहां से हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, आईए और आईएसई भी निकाल सकते हैं, आईए और आरए का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर इसका फिगर ड्रा करेंगे। ए आर एस एच एस संट रेजिस्टेंस और ए है आर एस ई सीरीज रेजिस्टेंस और यहां से जो करंट फ्लो होगी आर आई एस एच इधर और इधर जो करंट होगी आई एस ई। यहां पर जो करंट होगी आई ए होगी और यहां पर जो करंट आएगी आई एल और इसका रेजिस्टेंस आर एल।
अब इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जब हम लगाएंगे KCL तो IA इक्वल टू ISH और ISE, IA इक्वल टू दो भागों में करंट बढ़ रही है ISH प्लस ISE, और ISE और IL क्या है आपस में बराबर है, सीरीज करंट और लोड करंट। यहां पर हम क्या करेंगे KVL लगाएंगे, माइनस का इक्वल टू आई ए आर ए, माइनस का ई प्लस आई ए आर ए प्लस आई ई एस आर एस ई प्लस आई एल आर एल इक्वल टू जीरो, इक्वल टू सब क्या करेंगे इधर उधर ले जाएंगे, आई ए आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई प्लस आई एल आर एल इक्वल टू आई ए आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई प्लस, इसको लिखेंगे वी क्योंकि यही क्या है टर्मिनल वोल्टेज, इक्वल टू आई ए आर एस ई। अब देखो आई ए और आर एस ई में क्या रिलेशन है, आई ए इक्वल टू आई एस प्लस आई एस ई, यानी कि हमें कुछ ऐसा कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे यही हमारी क्या है ईएमएफ की इक्वेशन है। और इसके बाद में अगर हम चाहें तो आई ए की करंट, आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।